गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग लेके आए हैं, आज का टॉपिक है एफिशिएंसी ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के एफिशिएंसी के बारे में आज डिस्कशन करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो एफिशिएंसी क्या होता है? सबसे पहले एफिशिएंसी जो होता है ये रेशियो होता है आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर का, ठीक है। तो आउटपुट पावर और इनपुट पावर के रेशियो को ही हम लोग एफिशिएंसी से डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी का डिस्कशन यहाँ पे हो रहा है। तो आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, तो इनपुट पावर क्या होगा वो देखिए, यहाँ एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर, और आउटपुट पावर तो होगा ही, बट इनपुट पावर को हम क्या लिख सकते हैं? तो इनपुट पावर को हम लोग आउटपुट पावर प्लस टोटल लॉसेस लिख सकते हैं, ठीक है। तो आउटपुट पावर बाय आउटपुट पावर प्लस टोटल लॉस में कौन सा लॉस होता है? दो टाइप का लॉस होता है ट्रांसफार्मर में, एक आयरन लॉस होता है, एक कॉपर लॉस होता है, ओके। तो आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस लिख दिया हम लोगों ने, ओके। आफ्टर दैट यहाँ पे है, देखिए ये जो आउटपुट पावर है ये क्या होता है, वी टू आई टू कॉस फाई टू, ठीक है। वी टू इज़ अ वोल्टेज सेकेंडरी वोल्टेज, आई टू सेकेंडरी करंट, एंड कॉस फाई टू इज़ अ दोनों के बीच का पावर फैक्टर, ओके। यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ लोड। एक्स यहाँ पे क्या है, दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ लोड है। तो लोड आपका कुछ भी हो सकता है, हाफ लोड, फुल लोड, ठीक है। तो इस पर डिपेंड करेगा। फिर यहाँ पे क्या है, वी टू आई टू कॉस फाई टू, सेम चीज़ क्योंकि आउटपुट पावर था, एक्स वी टू आई टू कॉस फाई टू प्लस आयरन लॉस प्लस पी आई से आयरन लॉस को रिप्रेजेंट करते हैं, और कॉपर लॉस को एक्स स्क्वायर पी सी यू लिखते हैं, पी सी यू इज अ कॉपर लॉस, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आफ्टर दैट एन इक्वल टू, इसको हम के वी ए के टर्म में भी लिख सकते हैं क्योंकि ट्रांसफार्मर का रेटिंग किलो वोल्ट एम्पियर होता है, ठीक है, के वी ए। तो एक्स इसी टर्म को मैंने यहाँ पर लिख दिया है के वी ए के टर्म में, वोल्टेज इंटू करेंट, ये क्या है वोल्टेज है, एम्पियर क्या होता है करेंट। तो के वी ए कॉस फाइव बाय एक्स के वी ए कॉस फाइव प्लस आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस, ठीक है। ये वेरिएबल लॉस होता है, ये आयरन लॉस क्या होता है, ये कांस्टेंट लॉस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली जो परसेंटेज में अगर लेना है तो ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या हो गया, एक्स के वी ए कॉस फाइव बाय एक्स के वी ए कॉस फाइव प्लस आयरन लॉस प्लस एक्स स्क्वायर पी सी यू मतलब कॉपर लॉस। आयरन लॉस ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट लॉस कहलाता है। अगर कोई भी लोड देंगे, इसमें चेंज नहीं हुआ लोड का, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, आयरन लॉस ऑलवेज फिक्स रहता है, वो कांस्टेंट लॉस कहलाता है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ द लोड करंट होता है। कॉपर लॉस जो है ये लोड पे वेरी लोड पे डिपेंड करता है, मतलब ये दिस इज ऑल्सो नोन एज वेरिएबल लॉस, ओके। और यहाँ पे एक्स जो है ये फ्रैक्शन ऑफ लोड है, मतलब लोड आपका जैसे हाफ लोड हो सकता है, 75% लोड हो सकता है, या फुल लोड लेंगे तो उस केस में आप वैल्यू लिखेंगे। जैसे मान लीजिए एक कंडीशन फुल लोड लिख रहा है, फुल लोड मीन्स क्या हुआ, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 100%, 100% करने मतलब एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 100/100 मतलब 1 हो जाएगा। हाफ लोड बोल रहे हैं तो हाफ लोड करने मतलब क्या हो गया, एक्स का वैल्यू 50%, 50% का मतलब 50/100 यानी क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है। अगर बोले 75% लोड है, 75% लोड में क्या हो जाएगा, 75/100 यानी हो गया 3/4, ये 3/4 लोड हो गया, ओके। तो ये था एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो और भी अदर्स कंडीशंस हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करूँगा, ओके। थैंक यू।